तेजस्वी जी ने बहुत सोच विचार करके हमको बनाया, हमारे कंधे पर एक जवाबदेही दिया। आदरणीय लालू जी के प्रति, तेजस्वी जी के प्रति, तेज प्रताप पूरे परिवार के प्रति हम वफादारी से रखेंगे और जितना हम सॉल्व कर सके बाकी जो समस्याएं हैं उसको हम निदान करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूँ आपके साथ ऋतिक सुमन। बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव है और ऐसे में 2 उम्मीदवार राजद के अब फाइनल हो चुके हैं। पटना पहुंचे थे लालू प्रसाद यादव दिल्ली से इसी को लेकर कि वो कभी भी पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगे, और अब पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है और उसके बाद नामांकन भी दाखिल कर लिया गया है। 2 उम्मीदवार, पहला नाम मीसा भारती जो कि लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी हैं और सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और दूसरा नाम फैयाज अहमद जो कि मधुबनी के बिस्वी से पूर्व विधायक रह चुके हैं। करीबन 10 साल तक वो विधायक रहे, वो MLA रहे हैं और ऐसे में पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है। यानी 2 नाम फाइनल हो गए। अब दोनों नामों ने आज जाकर, यानी कि दोनों लोगों ने जाकर आज विधानसभा में अपना नामांकन भी दाखिल किया और इस दौरान राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और तमाम राजद के कई दिग्गज नेता पहुँचे थे नामांकन के दौरान। मीडियाकर्मियों से लालू प्रसाद यादव ने तो बातचीत नहीं की, तेजस्वी यादव ने भी बातचीत नहीं की, लेकिन नामांकन दाखिल करने के बाद फैयाज अहमद ने बातचीत की। मीडिया से बातचीत करने के दौरान फैयाज अहमद ने कहा कि जिस तरीके से लालू परिवार ने और स्पेशली लालू प्रसाद यादव ने जो कि पार्टी के सुप्रीमो हैं उन पर भरोसा किया, वो उसके लिए शुक्रगुजार हैं और ऐसे में वो अपनी निष्ठा के साथ काम करेंगे। सुनिए ये बयान फैयाज अहमद का। हमको तो पता भी नहीं था कि आदरणीय लालू जी और तेजस्वी जी ने बहुत सोच विचार करके हमको बनाया, हमारे कंधे पर एक जवाबदेही दिया। हम पार्टी के प्रति, आदरणीय लालू जी के प्रति, तेजस्वी जी के प्रति, तेज प्रताप पूरे परिवार के प्रति हम वफादारी से रखेंगे और हम उसी निष्ठा के साथ काम करेंगे। भैया जी, उम्मीद थी कि आपको प्रत्याशी मेरा भी स्थिति है, तो किस तरीके से किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे आप? हमारा नीचे कर लो भाई, क्योंकि हम 10 साल MLA रहे। हो गया कैमरा में यही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है भाई। 10 साल हम MLA रहे और हमने क्षेत्र की जो प्रॉब्लम को देखा और जितना हम सॉल्व कर सके बाकी जो समस्याएं हैं उसको हम निदान करते हैं, क्योंकि हम तो पार्टी के थे, 10 साल हमें मिले थे, हम घर घर से जुड़े हुए थे, गांव ग्राम से जुड़े हुए थे, सभी का आभास है कि हाँ क्या होना चाहिए वो हम जान रहे हैं, हम उसको कम। बीच में आपकी एक दूरी हो गई थी राजनीति सक्रिय से? हम तो विधायक भी 10 साल हम पूरा समय क्षेत्र में, ये हारना था, हार करके फिर जाना था, हम तो कुछ सोच रहे थे, ऊपर वाला कुछ सोच रहा था, इसलिए हमारी ये कामयाबी जो है आज, अगर हम नहीं हारते आज लालू जी उपस्थित हुए खुद यहाँ पे, मार्गदर्शन मिला। लालू जी का हमेशा मार्गदर्शन रहा और अभी भी बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने मार्गदर्शन दिया और बीमार होने के बावजूद भी हम उनको आशीर्वाद देने के लिए, दुआ देने के लिए नॉमिनेशन में आए, हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तो ये बयान आपने सुना फैयाज अहमद का, नामांकन अब हो चुका है और ऐसे में फैयाज अहमद का दावा है कि वो निष्ठा के साथ काम करेंगे, पूरे लगन के साथ काम करेंगे। जिस तरीके से लालू यादव ने उनके नाम पर भरोसा किया, लालू परिवार ने उनको मौका दिया, अब उस लगन के साथ उनके भरोसे पर कामयाब उतरेंगे और पार्टी को इसी तरीके से संजोकर चलेंगे और निष्ठा के साथ काम करेंगे। फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।